Hello everyone, welcome back to the Four Hands Education System. So this is the 7th lecture of the Animal Kingdom and we are going to cover the another life cycle of the protozoa named Leishmania donovani. Last lecture में हमने Trypanosoma gambiens के बारे में देखा था और हमारे playlist जो है 6th lecture already जो है उसमें है. उसमें आप lecture 4 जाकर protozoan disease देखिए. जब आप वो lecture कर लेंगे तो आप इसे ज़्यादा relate कर पाएंगे. ठीक है, जो Plasmodium life cycle हमारी covered है, Trypanosoma जो है covered है, आज Leishmania donovani जो हम cover करने वाले हैं, तो अगर आप lecture 4 जो अगर देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा clarity रहेगी. And this video is going to useful for CUT, UG, PG as well as BSc students. So आज हम Leishmania donovani को detail में देखने वाले हैं. लीशमैनिया जो है एक पैथोजेन है और पैथोजेनिक जो है वो एक पैरासाइट की तरह काम करता है और इसकी भी जो है वो डायजेनेटिक लाइफ साइकिल है. जैसे कि हमने प्लास्मोडियम में देखा था और ट्राइपैनोसोमा में देखा तो क्या है कि दोनों की क्या है कि डायजेनेटिक लाइफ साइकिल थी. इसकी भी जो है वो डायजेनेटिक लाइफ साइकिल है. मैन में जो है वो असेक्शुअल साइकिल चलती है इसकी और जो सैंड फ्लाई है जो कि इसका वेक्टर है उसमें सेक्शुअल जो है वो इसकी साइकिल चलती है. बाकी जो है इसकी यूनिफ्लेजलेट है कि एक ही फ्लेजला इसमें प्रेजेंट है. अगर मैन में ये एक्ट कर रहा है तो मैन के ब्लड सेल्स में, लीवर में, स्प्लेन में जो है ये अटैक करता है. तो लीशमैनिया जो है वो पैथोजेनिक है, डायजेनेटिक है. मैन में जो है वो असेक्शुअल लाइफ साइकिल क्रिएट करता है और सैंड फ्लाई में सेक्शुअल लाइफ साइकिल, क्योंकि सैंड फ्लाई जो है इसका वेक्टर है. ठीक है, रिजर्वियर होर्स इसके डॉग्स एंड जैकल्स हैं. हमने कल ट्राइपैनोसोमा में देखा था कि डॉग्स और पिग्स थे उसके जो है रिजर्वियर होस्ट. यहाँ पे डॉग्स और जैकल्स जो हैं वो रिजर्वियर होस्ट हैं. वेक्टर अगेन सैंड फ्लाई है. करता क्या है, काला आजार करता है. इसके जो डिसीज के नाम है काला आजार, डम डम फीवर और ब्लैक फीवर जो है इसकी वजह से होता है. सिम्टम्स क्या है भाई, हाई फीवर आएगा, डार्क पिगमेंटेशन जो है वो होने लग जाएगा, लीवर और स्प्लीन ये क्या इलाज हो जाएंगे, एनलार्जमेंट जो है वो शोन होगा लीवर और स्प्लीन में. तो क्या कि कॉज काला आजार, डम डम फीवर एंड ब्लैक फीवर. यूनिफ्लेजलेट है कि भाई एक ही फ्लेजला जो है इनमें प्रेजेंट है. ठीक है, एंड ऑल आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स इन ल्यूकोसाइट्स ऑफ ब्लड एंड और इन द सेल्स ऑफ द लीवर एंड स्प्लीन. के दो सारे के सारे जो हैं वो इंट्रासेलुलर है, ल्यूकोसाइट्स में एक्ट करते हैं, लीवर में करते हैं और स्प्लीन में करते हैं. सिम्टम क्या है भाई, 3 से 6 महीने जो है वो आपको पता लगने में लग जाएगी भाई ये जो है ये डिसीज हुआ है, या फिर 2 साल तक जो है वो लग सकते हैं. ठीक है, नाउ लीशमैनिया donovani के दो फॉर्म देखी जाती हैं. तो एक फॉर्म होती है अमेस्टिगोट और दूसरी होती है प्रोमेस्टिगोट. जो अमेस्टिगोट फॉर्म होती है वो होती है वर्टिब्रेट्स में, जो कि हम भी आते हैं वर्टिब्रेट्स में. तो ह्यूमन में जो है वो अमेस्टिगोट फॉर्म जो है मिलती है और जो सैंड फ्लाई है जो कि वेक्टर है उसमें प्रोमेस्टिगोट फॉर्म मिलती है. तो दे आर इंट्रासेलुलर अमेस्टिगोट डिपेंड प्राइमली ऑन एमिनो एसिड्स. तो ये जो ह्यूमन साइकिल में चलते हैं तो ये हमारे अंदर क्योंकि एमिनो एसिड्स पे डिपेंड रहते हैं लीशमैनिया donovani. ऑकर्स इंट्रासेलुलर इन ब्लड सेल्स, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स. ये रेटिकुलो क्योंकि ब्लड सेल्स में और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में मतलब कि लीवर में, स्प्लीन में जो है ये रहते हैं. तो इंट्रासेलुलर है और वर्टिब्रे होस्ट ऑफ मैन. तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में लीवर, स्प्लीन. ठीक है, तो हमने देख लिया भाई इंट्रासेलुलर है और स्प्लीन में और लीवर में जो है ये एक्ट करते हैं. माइक्रोस्कोपिक है भाई, माइक्रोस्कोपिक के बिना आप नहीं देख पाएंगे. राउंडेड होते हैं. जो अमेस्टिगोट फॉर्म है जो कि वर्टिब्रेट्स में देखिए तो क्या है कि ओवल शेप्ड है, राउंड शेप है. हम अभी आपको पिक्चर दिखाएंगे. ओवल शेप है विद अ सेंटर और इसेंट्रिक न्यूक्लियस. ब्लेफेरोब्लास्ट एंड काइनेटोप्लास्ट आर प्रेजेंट. तो ये सब जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं. इसमें क्या कोई भी फ्लेजिला नहीं है. हमने क्या देखा था पीछे कि यूनिफ्लेजलेट है, पर जब वर्टिब्रेट में आते हैं तो इनके पास फ्लेजिला नहीं होता है. ठीक है, लेप्टोमोनोड और प्रोमेस्टिगोट फॉर्म. प्रोमेस्टिगोट फॉर्म को ही लेप्टोमोनोड बोल देते हैं और अमेस्टिगोट फॉर्म को हम बोलते हैं लीशमैनिया फॉर्म. ठीक है, तो फाउंड इन मिडगट ऑफ द इनवर्टिब्रेट और सैंड फ्लाई. तो ये जो सैंड फ्लाई या इनवर्टिब्रेट में जो लाइफ साइकिल चलती है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म की, तो ये क्या है कि मिडगट में, उसके मिडगट में जो है ये मिलती है ये वाली फॉर्म. इलोंगेटेड होते हैं, सिलेंडर होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, लार्ज सेंट्रिकल न्यूक्लियस, ब्लेफेरोब्लास्ट एंड काइनेटोप्लास्ट एंड लॉन्ग फ्री फ्लेजला. यहाँ पर जो है वो फ्री फ्लेजला जो है वो देखने को मिलता है. ठीक है, देखो डायग्राम देखो, ये अमेस्टिगोट फॉर्म है जो कि किस में मिलेगी, ये वर्टिब्रेट्स में मिलेगी. ठीक है,
और प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जिसे कि लोपनोइक स्टेज भी बोल रहे थे, ये मिलेगी इनवर्टिब्रेट्स में, मतलब कि सैंड फ्लाई में. अभी हम सैंड फ्लाई की बात कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, तो ये जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है वो इनवर्टिब्रेट्स में मिलती है. और तो ये कहाँ है, ओवल शेप है, एक्सोनियम है, इसमें साइटोप्लाज्म है, बेसल बॉडी है, देन काइनेटोप्लास्ट और न्यूक्लियस प्रेजेंट है. प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो कि इन्वर्टिब्रेट्स में, मतलब कि सैंड फ्लाई में जो प्रेजेंट है, वो एक्सोनियम, काइनेटोप्लास्ट, फ्लेजला जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर फ्लेजला प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लास्ट. तो इन्वर्टिब्रेट यहाँ पर हम सैंड फ्लाई की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ह्यूमन की. ठीक है, अब के पूरी लाइफ साइकिल देखते हैं कि कैसे कैसे जो है ये एक्ट कर रहे हैं. तो जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन से जो है वो सैंड फ्लाई आया और उसके अंदर क्या है कि लीशमैनिया डोनोवानी के क्या जो है वो ये क्या है कि बाइट नहीं करता, मतलब ऐसे कुछ डिस्कवर हुआ नहीं है अब तक कि भाई ये बाइट करके जो है ये इन्फेक्ट करता है. ये बाइट करके नहीं करता है, ऐसे स्लैप कर देंगे तभी जो है वो इंजेक्ट हो जाएगा. तो पहले क्या है कि सैंड फ्लाई टेक अ ब्लड मेल एंड इंजेक्ट प्रोमेस्टिगोट फॉर्म. प्रोमेस्टिगोट फॉर्म कहाँ थे हमारे इन्वर्टिब्रेट में, तो सैंड फ्लाई में जो है वो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में जो है वो इंजेक्ट हुआ है. देन प्रोमेस्टिगोट फॉर्म फेगोसिटिक बाय द माइक्रोफेजेस. अब ह्यूमन के अंदर जो है लाइफ साइकिल चल रही है, तो ये कि हमारे माइक्रोफेजेस क्या है कि इसको क्या है कि मतलब कि खा जाएंगे. मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है कि भाई फैगोसिटिक जो है प्रॉपर्टी होती है मैक्रोफेजेस की. तो ये क्या कि प्रोमेस्टिगोट जो फॉर्म है उसको क्या है कि फेगोस्टराइज कर देंगे. देन प्रोमेस्टिगोट फॉर्म ट्रांसफर इनटू अमेस्टिगोट फॉर्म इनटू द मैक्रोफेजेस. ये मैक्रोफेजेस में प्रोमेस्टिगोट फॉर्म से अमेस्टिगोट फॉर्म जो है उसमें चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे वर्टिब्रेट्स में जो अमेस्टिगेट फॉर्म जो है वो मिल देती है. देन अमेस्टिगोट फॉर्म क्या है कि अब यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन करेंगी. तो यहाँ पे क्या है कि बाइनरी फ्यूजन होगा. देन मल्टीप्लाई होंगे और मैक्रोफेजेस ऑफ वेरियस टिश्यू. अब यहाँ पे क्या कि सैंड फ्लाई. अब यहाँ तक तो जो है पूरी की पूरी साइकिल जो है ये ह्यूमन में चली गई कि अमेस्टिगेट प्रोमेस्टिगोट फॉर्म से अमेस्टिगोट फॉर्म हुई. देन क्या कि अमेस्टिगेट फॉर्म ने बाइनरी फ्यूजन किया, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन किया. और क्या है कि अब सैंड फ्लाई में जो है साइकिल, तो सैंड फ्लाई ने टेक किया ब्लड में एंड इंजेस्ट माइक्रोफेजेस इन्फेक्टेड विद अमेस्टिगोट फॉर्म. इन्फेक्टेड ह्यूमन में ही चले गए. इन्फेक्टेड ह्यूमन से क्या है कि अब ये क्या है कि सैंड फ्लाई में क्या क्या प्रोसीजर होगा. इंजेशन ऑफ द पेरेस्टराइज सेल. यहाँ पे क्या कि इन्फेक्ट हो गई है, तो इन्फेक्ट हो गई. अब क्या कि इसके पास क्या कि पेरेस्टराइज सेल है, मतलब कि जो इन्फेक्टेड सेल है वो है. अमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में बदल जाएगी. कहाँ, मिडगट में, किसके, इसके सैंड फ्लाई के. ठीक है, सैंड फ्लाई के. देन उसके बाद दोबारा क्या है कि यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन होगा और ये डिवाइड कर जाएंगे और माइग्रेट कर जाएंगे प्रोबोस्किस ऑफ द सैंड फ्लाई. यहाँ पर भी लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन हुआ है. यहाँ पर कैसे शेप थी, यहाँ पर थी ओवल शेप और यहाँ पे टर्न हो गई है स्पिंडल शेप. ठीक है, तो स्पिंडल शेप हो गई है. उसके बाद ये क्या है कि किस फॉर्म में आ गई है, प्रोमेस्टिगोट फॉर्म में आ गई है. अगेन क्या है कि ये जो इन्फेक्टेड जो इसके अंदर क्या है कि लीशमैनिया डोनोवानी के क्या है प्रोमेस्टिगोट फॉर्म आ गई है. अगेन ये हेल्दी पर्सन को क्या है कि इन्फेक्ट करेगी. अगेन जो है ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल जो है वो रन करेगी. ठीक है, सो आज जो है हमारा टॉपिक यही था. तो अगर एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें तो लीशमैनिया डोनोवानी की क्या है, पैथोजन है, लाइफ साइकिल डायजेनेटिक है, होस्ट कौन है मैन एंड सैंड फ्लाई जो है इसके होस्ट हैं, कैसा है, माइक्रोस्कोपिक है, यूनिफ्लेजुलेट है. इसकी जो है दो फॉर्म है, अमेस्टिगोट एंड प्रोमेस्टिगोट. अमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो वर्टिब्रेट्स में मिलती है, मैन में मिलती है, और प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में मिलती है, और या फिर सैंड फ्लाई जो कि हम सैंड फ्लाई जो है एज अ वेक्टर यहाँ पर काम करता है. अब जो अमेस्टिगोट फॉर्म है उसमें क्या है, फ्लेजिला जो है एबसेंट है, नो फ्री फ्लेजिला. पर जो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म है उसमें क्या है, फ्री फ्लेजिला जो है वो प्रेजेंट है. ठीक है, तो डायजेनेटिक है. और कहाँ, जो ब्लड ह्यूमन के ब्लड या लीवर और स्प्लीन में जो है ये एक्ट करती है, और सैंड फ्लाई के मिडगट में जो है ये अटैक करती है. पूरी साइकिल चलती है इसकी.
देन ये इंट्रासेलुलर जो है, इंट्रासेलुलर है वर्टिब्रेट में, क्योंकि लीवर, स्प्लीन और ब्लड सेल्स में जो है उसके अंदर, उसके सेल्स के अंदर जो है ये अटैक करी है। देन फीवर होता क्या क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है कि हाई फीवर आएगा, डार्क पिगमेंटेशन होगा, और डिसीज़ के नाम है काला आजार, डम डम एंड ब्लैक फीवर, और दो फॉर्म जो हमने पढ़ ली है। बाकी ये सिलेंडर फॉर्म थी, जो प्रोमेस्टिकोइड फॉर्म थी वो सिलेंडर शेप है, फ्री फ्लेजुला जो प्रेजेंट है ये क्या है, ओवल शेप्ड है, और ह्यूमन में पाई जाती है जो कि अमेस्टिगेट फॉर्म है। देन हमने लाइफ साइकिल देख ली कि जब वो इंजेक्ट मतलब कि इन्फेक्ट करेगा तो वो बाइट के थ्रू नहीं करता, उसकी बक्कल कैविटी और फैनिक्स में जो है ये प्रेजेंट रहता है। तो ये प्रेजेंट रहता है बक्कल कैविटी एंड फैनिक्स में जो है ये प्रेजेंट रहता है, सलेवरी ग्लैंड के थ्रू नहीं होता। हमने जो लास्ट लाइफ साइकिल देखी थी प्लास्मोडियम की और ट्राइपैनोसोमा की, हमने क्या, हम क्या बोलते हैं उसमें कि सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू, सलाइवा के थ्रू जो है वो जो है वो इंजेक्ट हो रहा था क्या, या तो स्पोरोजॉइड स्टेज या फिर ट्राइपैनोसोमा में जो है अलग स्टेज थी। यहाँ पर क्या है कि प्रोमेस्टिगोइड स्टेज जो है वो है इन्फेक्टेड स्टेज ह्यूमन के लिए, तो वो बक्कल कैविटी या फिर फैनिक्स के थ्रू जो है वो इंजेक्ट हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू नहीं हो रहा है, ठीक है। देन क्या है, बकल कैविटी और फेनिक्स के थ्रू क्या है कि प्रोमेस्टिगेट फॉर्म जो है वो इसमें एंटर हुई हुई ह्यूमन में। देन प्रोमेस्टिगेट फॉर्म क्या है कि मैक्रोफेजेस ने क्या किया, मारने की कोशिश करी। देन प्रोमेस्टिगेट फॉर्म अमेस्टिगेट फॉर्म में चेंज हो गई, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में अमेस्टिगेट फॉर्म जो है वो मिलती है। देन अमेस्टिगेट फॉर्म ने बाइनरी फ्यूजन किया, बाइनरी फ्यूजन के बाद सेक्सी फ्लाई में क्या है कि लाइफ साइकिल चलने लगी। अब सेक्सी फ्लाई में क्या होगा, दोबारा क्या है कि यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन होगा, अमेस्टिगेट फॉर्म अगेन प्रोमेस्टिगेट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, कहाँ पर, मिडगट में, ये यहाँ पर ओवल शेप थी, यहाँ पर स्पिंडल शेप हो जाएगी, और दोबारा से क्या है कि बाइनरी फ्यूजन करके, और ये अगेन हेल्दी पर्सन को जो है वो बाइट करेगी, बाइट नहीं करेगी, इंजेक्ट करेगी, बाइट नहीं करती, बक्कल कैविटी और फैनिक्स के थ्रू जो है ये इन्फेक्शन फैलता है, सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू नहीं फैलता, ठीक है। सो आज के लेक्चर के में इतना ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड फॉर मोर अपडेट्स जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, एंड बाय बाय, टेक केयर।